आवाज आ रही है मेरी आपको? तो हमने दोबारा गति को पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखिए शुरू से मैं आपको लेकर चलूं तो पहले हमने अलिफ बा को पढ़ा, फिर इसके बाद सेकंड गति को हमने पढ़ा, इसमें हमने नरमी वाले हरूफ पढ़े सा रा वा, सख्ती वाले हरूफ पढ़े जा सीन औद, हरूफ हल्की हमजा हा आइन हा आइन खा, हरूफ मुस्तालिया हमने पढ़े इनको पुर पढ़ना है। जब इन हरफों की अदायगी हमने सीख ली तो हमने अलामतों का देखा कि जबर जेर पेश को क्या कहते हैं हरकात, और हरकात को हमने कैसे पढ़ना है बगैर हिचे बगैर झटका दिए मारूफ आ ई ओ बाबी बू ताती तू ताती तू जाजी जू। अब हमने इन अल्फाजों को मिलाकर कैसे पढ़ना है, ये सेकंड तख्ती में हमने अल्फाजों को देखा कि मिले हुए अल्फाज इस तरह से बने हुए होते हैं बाहामीम बासीमीम, पर इस पर कोई अलामत ना होने की वजह से हम अलग अलग पढ़ रहे थे। अब इन्हीं अल्फाजों पर अगर अलामत आ जाए कि बा के नीचे जेर लगा दिया, सीन पर हमने साकिन कर दिया तो बिस हो गया, मीम के नीचे जेर लगा दिया तो बिस्मिल हो गया, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का बिस्मिल बन जाता है। तो इस तरह से अल्फाजों को मिलावा लिखना देखा, फिर इसके बाद अलामतें लगा कर और इस तख्ती को हमने पढ़ा। तो इसके ऊपर हमने सिर्फ अलामतों में देखी, सिर्फ जबर जेर पेश को पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर जबर जेर पेश की तख्ती की हमने पहचान की कि जबर ऊपर जेर नीचे और पेश ऐसा ऐसा गोल होता है ऊपर की तरफ। फिर इसके बाद जब हमने हरकात के अंदर इन अलामतों को लगाया तो यहाँ हमारे पास रवा में वक्फन के साथ जो है मुकम्मल वर्ड बना, हमजा के नीचे जेर है, अलिफ को हमने अलामत के साथ हमजा पढ़ा, ठीक है, वा पर जबर है, मीम पर जबर है तो ये वा मा हो गया। जबकि सेकंड तख्ती में आपने इन अल्फाजों को मिलावा तो देखा लेकिन अलामत ना होने की वजह से हमने इसको पढ़ा नून हा, लेकिन यहाँ पर जब हमारे पास अलामतें आ गई तो अब ये वफा आ को वफा वक्फन के साथ हमने पढ़ा, मुनि आ को मुनि याईदो को याईद। अब यहाँ हमने सिर्फ अलामतों में हरकात को पढ़ा, जबर जेर पेश को, ठीक है, फिर हमने तनवीन पढ़ा, दो जबर दो जेर दो पेश, यानी एक एक जबर के ऊपर एक एक और इजाफी अलामत लग गई, तो फिर उसको हमने दो दो के साथ पढ़ा, यानी दो जबर दो जेर दो पेश, तो इसको हम क्या कहते हैं तनवीन, ठीक है, इसको हमने जो है वो नून साकिन की तरह पढ़ना है रवा में, रवा में हम पढ़ेंगे हन हिंग हन कन किन कुन शन शिन शुन। अब यहाँ देखिए हमारे पास अलामतों में हमने जबर जेर पेश यानी हरकात और तनवीन दोनों को मिलाकर इस तख्ती को पढ़ा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, पहले हमने वर्ड सीखे, फिर मिलाकर कैसे लिखा जाता है ये सीखा, फिर अलामतों में जबर जेर पेश को भी सीखा, फिर तनवीन को सीखा। अब तनवीन और हरकत मिलाकर इस तख्ती के अंदर आ रहे हैं तो अब इसको हमने कैसे पढ़ना है रवा में ये हम सीख रहे हैं। ठीक है, मीम जबर मा वा जबर वा दोनों हरकत है और हरकत को खींचना नहीं होता, हम इसको पढ़ेंगे मा वा और दो दो पेश दुन, तनवीन है हमने नून साकिन की आवाज देनी है, दुन नून कहीं नजर नहीं आएगा लेकिन हमने इसकी आवाज नून साकिन की देनी है, मावा दुन वक्फन मावत मसालिन वक्फन मसल। अब इस बात को समझना है आपको कि जबर जेर और पेश तीनों हमने क्या किए, तीनों हमने वक्फन में कर दिए साकिन, ये पूरी की पूरी तख्ती में हमने जब भी सारे वर्ड कर दिए ना वो साकिन कर दिए, अगर कोई जबर वाला वर्ड आ रहा है तो उसको भी हमने साकिन किया, हमारे पास जो है पेश वाला वर्ड आ रहा है तो हमने उसको भी साकिन किया, जैसे कि उखारू है, ठीक है, उसको भी साकिन किया, जेर वाला वर्ड आ रहा है उसको भी हमने साकिन किया। तो हमने इस बात को समझा यहाँ पर कि जबर जेर और पेश तीनों को हम वक्फन करेंगे तो साकिन कर देंगे, लेकिन तनवीन के लिए ये बात नहीं है, तनवीन के लिए ये बात है कि दो पेश और दो जेर वाले जितने भी वर्ड आएंगे ना, सेकंड फर्स्ट लाइन में देखिए दो पेश और दो जेर वाले कितने वर्ड आ रहे हैं, ये दो पेश वाले तीन जगह आ रहे हैं, दो जेर वाला एक जगह आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, दो जबर, तो दो जेर और दो पेश वाले जो वर्ड हैं उसको हमने करना है साकिन, मेरी बात समझ में आ रही है, किसको साकिन करना है, दो जबर और दो पेश वाले वर्ड हैं उनको हमने साकिन करना है, लेकिन दो जबर कभी भी साकिन नहीं होगा, दो जबर जो है वो साकिन नहीं होगा, ठीक है, दो जबर के आगे हमेशा देखें अलीफ लगा हुआ होगा, ये बात तवज्जो से सुन लें, बिल्कुल आसान कवायद है, बिल्कुल आसान समझने की बात है, दो जबर के बाद हमारे पास देखें अलीफ जरूर होगा, तो दो जबर को हमने साकिन नहीं करना,
ये मरादुन है तो मरद, मसालिन है तो मसल, कबदिन है तो कबद, जबदुन है तो जबद, फियातिन है तो फिया, दराजतुन है तो दराजा, तबकिन है तो तबक। जितने भी दो जेर और दो पेशे इनको हमने सबको वक्फ में साकिन कर देना है, लेकिन दो जबर को नहीं करना। अब दो जबर को क्या करना है, तवज्जा से सुने, दो जबर की तनीन को अलीफ से बदलना है। जब भी दो जबर आएगा आपको नजर आ रहा होगा अलीफ, ठीक है, कई जगह पर जो है वो या भी नजर आएगा, ठीक है, लेकिन दो जबर के लिए ये कंफर्म है कि दो जबर को हमने वक्फन में अलीफ से बदलना है। इससे बदलना है बच्चों, अलीफ से। जितने भी दो जबर है ना, देखिए रेड कलर से नजर आ रहे हैं सारे, जितने भी दो जबर हैं, इन सब पर हमने क्या करना है, दो जबर को हमने अलीफ से बदलना है। तो जब अलीफ से बदलेंगे तो एक अलीफ की मिकदार देंगे, ये तनवीन साकिन होगा ना, तो यहाँ कोई मिकदार नहीं बनेगी। लेकिन दो जबर पर, दो जबर को हम जब एक जबर करेंगे तो अलीफ से पहले जबर अलीफ मद्दा होता है, ठीक है, ये आप बाद में पढ़ोगे उर्फ मद्दा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ दो जबर की तनवीन को वक्त में हम अलीफ से बदलेंगे तो अलीफ मद्दा हो जाएगा। तो हमने एक अलीफ की मिकदार देनी है, वसादन को वसादा, लिबादन को लिबादा, वशादन को वशादा, आदादन को आदादा, आजाबन को आजाबा, कुरान को कुरा, रगबन को रगबा, असीफन को असीफा, आमादन को आमादा, वहाबन को वहाबा। आया समझ में बेटा, दो जबर की तनवीन को किससे बदलेंगे, दो जबर की तनवीन को किससे बदलेंगे, आमना आमना बताओ जल्दी से, दो जबर की तनवीन को किससे बदलेंगे। ये आमना यहाँ लिखा हुआ नहीं आ रहा, यहाँ तो है आमना। अनस, अनस हनीफ आप बताओ दो जबर की तनवीन को किससे बदलेंगे। अनस हनीफ, जैनब शहजाद, जैनब शहजाद आप बताइए दो जबर की तनवीन को किससे बदलेंगे, क्या बोल रहे हैं, दो जबर की तनवीन को किससे बदलेंगे हम, अभी मैंने समझाया ना आपको अलिफ से, किसने बताया, सकलेन नाम है मेरा, सकलेन बता रहे हैं दो जबर की तनवीन को हमने अलीफ से बदलना है। अच्छा अब सकलेन आप नहीं बताएं, जैनब आप बताओ या फिर अनस आप बताओ कि दो पेश और दो जेर की तनवीन को किससे बदलेंगे। वाव से। हाँ वाव से। बेटा वाव तो हुरूफ होता है, मैं अलामत बदलने की बात कर रही हूँ। अभी मैंने इतनी देर से आपको जो समझा रही थी सारी पीछे की तख्ते को रिवाइज करवाकर, तो आपने क्या मतलब ये समझा वाव से बता रहे हो, गलत तो ना बताएं ना आप, अलामत को क्या हुरूफ से बदलोगे, वाव तो हुरूफ होता है, अलिफ से यहाँ तक के जो हुरूफ हैं वो हुरूफ हैं, और ये तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश हरकात ये अलामत ही होती है। मैं अलामत का पूछ रही हूँ, दो जेर और दो पेश की अलामत किससे बदलेंगे, नहीं आता आप गलत बता रहे हो तो गलत ना बताएं, बता दें भाई दोबारा समझा दें, क्या बता रहे हो बताओ, दो जेर और दो पेश की तनवीन को किससे बदलेंगे। जैनब आप बताओ, जैनब आप बताएं बेटा, ये एक ही चीज मैं आपको कई दिनों से समझा रही हूँ, ठीक है, आप अगर तवज्जो से क्लास ले रही हो तो दोबारा से मैंने पूरा पीछे से लेते हुए आप लोगों को समझाया, और बिल्कुल आसान बात है कि जबर जेर पेश यानी हरकात वो भी वक्तन में हम साकिन कर देंगे, और दो जेर और दो पेश, दो जेर और दो पेश इनको भी हम वक्त में साकिन कर देंगे। आप मेरी सब तवज्जो से बात सुन रहे हैं, अब आप बताओ दोबारा पूछ रही हूँ, दो जेर और दो पेश को हम क्या कर देंगे, सब मिलकर बताएं क्या कर देंगे, तनवीन तो है ना, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, कर देंगे। बदलेंगे किससे, दो जेर दो पेश को, हुज़ैफा किससे बदलेंगे, दो जेर और दो पेश को वफ में क्या कर देंगे। राबिया शहजाद आप बताएं, राबिया शहजाद नहीं, शहजाद नहीं है, राबिया जीशान, राबिया जीशान आप बताइए, दो जेर और दो पेश को वक्त में किससे बदलेंगे, जिस पर जेर या पेश है उसे बारिश पड़ेंगे। नहीं गलत, इसका मतलब आप क्लास तवज्जा से नहीं ले रहे हो, वरना मैंने अभी आपको पूरा पीछे से लेके आगे तक समझाते हुए पढ़ाया,
अच्छा चले आराम आराम से पढ़ाती हूँ मैं, एक दफा और बता रही हूँ, ठीक है? तवज्जा से सुनने हैं आपने इस बात को। देखिए ये अल्फाज जो है ना, एक एक अल्फाज दिया हुआ है, एक एक हुरूफ दिया हुआ है, ये सारे हुरूफ को मिला दिया, ठीक है? हमने ये अल्फाज इस तरह से बनेंगे मिलने के बाद, लेकिन इसको हम अलग अलग ही पढ़ेंगे। लाम सीन ता बा अलीफ फा स्वाद लाम, अलग अलग पढ़ने ना, क्यों? क्योंकि इसमें अलामतें नहीं है कि हम इसको मिलाएं, ठीक है? इसकी शक्ल ऐसी बनेगी मिलाने के बाद। फिर हमने यहाँ पे हरकात को पढ़ा, जबर जेर पेश किसको कहते हैं, कैसी शक्ल के होते हैं, आपने पूरी हरकात की तकती में पढ़ा ना, जबर ऊपर जेर नीचे पेश ऊपर, है ना? फिर इसके बाद इन तीनों अलामतों को हम जो है ना साकिन कर देंगे, कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है? अगर ये जबर का वाला अल्फाज है तीसरी जगह पर यानी आखिर में, ठीक है? अगर कोई अल्फाज ऐसा है जिसके ऊपर पेश आ रहा है तो इनको हम क्या कर देंगे, साकिन कर देंगे। रुसुल है तो रुसुल कर देंगे, जकर है तो जकर कर देंगे, और ये अलामतें आई ना तो अब हम इसको पढ़ते हैं। स्वा जबर स्वा, दा जबर दा, खौफ जबर का, स्वा दा का। जब वहां हमारे पास सेकेंड दत्ती में अलामतें नहीं थी तो हम इसको स्वाद दाल काफ पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ हमने अलामतों के साथ इसको पढ़ा स्वाद दाखा। यईदु यईदु वहाबा हबीका, ठीक है ना? इसको हमने रवा से इस तरह से पढ़ा ना अलामतों के साथ। अब हमने पढ़ा तन्नीन को, तन्नीन में क्या हो गया, दो जबर हो गए, दो जेर दो पेश, ठीक है? अब तन्नीन में हमने आवाज कैसी देनी है, नून साकिन की। कैसी देनी आवाज, नून साकिन की। खन खिन खुन, तन किन कुन, शन शिन शुन। अब ये तन्नीन वाली आवाज है ना, यहाँ पर भी देनी है, ठीक है? अब मरवा हरकात है और दुन तन्नीन है, मरवा दुन हो गया। रवा में हमने इसको पढ़ा मरवा दुन। अब वक्फन, वक्फन मवत, ठीक है? मसालिन है तो मसल, कुतुबुन है तो कुतुब। अब ये हमने बताना है कि हरकात को हमने साकिन किया और दो जेरो दो पेश है ना जो, उसको हमने वक्फ में साकिन करना है। क्या करना है वक्फ में, साकिन। मरदुन को मरद, मसालिन को मसल, जबादुन को जबद, पुरुष इनको पुरुष, मलिक इनको मलिक। ये दो जेर दो पेश क्या हो रहे हैं वक्फ में, साकिन। वक्फ में जबर जेर पेश और दो जेर दो पेश, हम इनको सबको साकिन कर देंगे। दोबारा से दोहराओ इस बात को, जबर जेर पेश, दो जेर और दो पेश, इनको हम वक्फ में क्या कर देंगे, साकिन। दो जेर दो पेश और जबर जेर पेश को वक्फ में क्या करेंगे, साकिन। कितनी अलामतें हुई, जबर जेर पेश दो जेर दो पेश, पांच अलामतें हुई ना, पांच अलामतें। अब ये पांच अलामतें हमने समझ ली हैं कि इनको क्या करना है, साकिन, ठीक है? लेकिन दो जबर का हमने नहीं जिक्र किया, तो यहाँ दो जबर को हम किससे बदलेंगे, अलिफ से। दो जबर किससे बदलेंगे, अलिफ से। तो एक अलिफ की मिकदार देंगे, रसा दन है तो रसा दा, थोड़ी सी मिकदार दो बेटा, वशादन को रशादा, लिबादन को लिबादा, गुड। अब दो जबर की जो तन्नीन है इसको हमने एक अलिफ से बदलना है, दो जबर सॉरी दो पेश दो जेर और जबर जेर पेश, इन पांच अलामतों को हम वक्त में साकिन कर देंगे, ठीक है? आज की क्लास इतनी ही है, हमारे पास टाइम नहीं बचा दुरूद पाक पढ़ने का, इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसे ये सवाल जो है मैं कल पूछूंगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।